बोल के लब आजाद है तेरे न्यूज स्प्लैश की स्पेशल रिपोर्ट में आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू असीम अजमी जी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। असीम जी, लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सारे लोग जो सेकुलर लोग हैं वो सब इकट्ठा होंगे तो राज्यसभा में ये बिल बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। नहीं होगा बिल पास, यह गलत बिल पास किया गया। ये बिल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा देखा गया कि जो सेक्युलर पार्टियां हैं उन्होंने इस पर वॉकआउट किया, इस पर क्या राय है आपकी? नहीं, देखिए पार्लियामेंट में अगर सेकुलर पार्टियां भाषण करती भी तो भी ये बिल पास हो जाता है क्योंकि मेजोरिटी उनके पास है, लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है। राज्यसभा में अगर सेकुलर पार्टियां वहां वॉकआउट कर जाती हैं और वहां पे इसको बिल को रोकती नहीं तो मैं समझूंगा फिर उनकी नीयत सही नहीं है। अच्छा, व्यूवर्स के लिए अगर आसान भाषा में बताना चाहेंगे कि किस तरह का नुकसान है इससे ट्रिपल तलाक बिल? देखिए, सीधा सीधा मैं बहुत आसान भाषा में कहना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सबरीमाला मंदिर का जब उसका फैसला आया तो उस फैसले को मानने को तैयार है। वो कहते हैं कि मेजोरिटी के बेस पर फैसला होना चाहिए। आम जनता, देश की मैक्सिमम जनता क्या चाहती है, कोर्ट को ये देखकर फैसला देना चाहिए। यानी आस्था जो है कोर्ट में आस्था के नाम पर जजमेंट होना चाहिए। अभी मुसलमान अगर ये कल कहेगा कि हम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते, हम शरीयत के फैसलों को मानते हैं, ये यही चाहते हैं कि मुसलमान इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहा है और मुसलमान फैसलों को नहीं मानता, जबकि ये फैसला देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये पर्सनल लॉ है, ये मजहबी मामला है। हम और किसी के मजहब में घुस कर किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं। हम अपने हमारे मजहब की में तलाक पे बहस हो रही है तो इसमें सरकार को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर सरकार इस देश के अंदर सर्वे कर लेगी तो मैं कहना है कि 99.9% औरतें कहेंगी कि इस बिल में सरकार का, इस कानून में सरकार को मदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये बिल पास होगा और मुसलमान कहेगा कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे तो ये दिखाएंगे लोगों को, देखो ये देश के संविधान के खिलाफ है। अच्छा आसिम जी, अगर देखा जाए तो क्या समाजवादी पार्टी पूरी इस बिल का विरोध करती है, आप इस बात का विश्वास? 100% आपने भाषण भी सुना होगा और समाजवादी पार्टी बिल्कुल 100% कभी भी किसी के पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी इस देश के संविधान की इज्जत करती है। 1947 में ये वादा हुआ था मुसलमानों को कि तुम इस मुल्क में रहो, इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, इस मुल्क में तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम अपने मजहब पर चल सकते हो, मस्जिद बनाओ, अजान दो, नमाज पढ़ो और अपने शरीयत पर चलो, ये फैसला था। असीम जी, एक आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी MIM के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है वो खुलकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में क्या कहूँगा, विरोध तो सभी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं विरोध, वो जरा बहुत जज्बाती तरीके से कर रहे हैं और लोग बिल्कुल अच्छी तरह से उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ देखा, आपने देखा होगा कि सुप्रिया सुले जी ने बहुत अच्छा भाषण किया इसके ऊपर, समाजवादी पार्टी के जो है नेताओं ने अच्छा भाषण किया इसके ऊपर, कांग्रेस के लोगों ने भाषण अच्छा, बहुत लोगों ने इससे अच्छा बोला है। तो मैं और किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, परंतु जब ऐसा कुछ होगा कि शरीयत में इंटरफेरेंस होगा, किसी के पर्सनल लॉ में कहीं ना कहीं इंटरफेयर किया जाए तो लोगों को बोलना चाहिए। तो क्या आने वाले वक्त में जो सभी सेकुलर पार्टियाँ हैं उनको एक मंच पर देखा जा सकता है इस बिल को लेकर? नहीं, एक मंच जरूर नहीं, एक ख्याल, एक तरह की सोच सेकुलर पार्टी को होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू असीम अजमी जी, जिन्होंने ट्रिपल तलाक पर अपनी राय दी। मैं शाहरुख कयूम, न्यूज़ स्प्लैश, मुंबई।